जो किपरी में फेस्टिवल हो रहा है संगम फेस्टिवल, वो यहाँ पर भी किया जाएगा। आई थिंक ये मिथुन का हेड होगा, यहाँ पर एक है, काफी पुराना है दिख रहा है। ये क्या चीज है? तो ये है मेरा एक सिंगल बेड वाला रूम। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से व्लॉग में। एंड फाइनली आज मैं जहाँ पर स्टे कर रहा था वहां से निकल के दूसरी जगह जा रहा हूँ। एंड बाय द वे, एक कहावत है ना कि आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरे कायनात आपको मिलाना चाहता है, तो लाइक सेम वैसा ही कुछ आज मेरे साथ हो रहा है। एंड आप लोगों को मैं कई बार व्लॉग्स में बताया कि मुझे जाना था किपरी, वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा है, लोकल फेस्टिवल जिसको मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहते हैं, उसको अटेंड करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। बट मेरा तबीयत खराब होने की वजह से, रास्ते के खराब होने की वजह से मैं जा नहीं पाया। बट लकली देखो दोस्तों, जो किपरी में फेस्टिवल हो रहा है संगम फेस्टिवल, वो यहाँ पर भी किया जाएगा। हालांकि वहां पर जो हो रहा है उस प्रकार का तो आई थिंक नहीं हो पाएगा शायद ना भैया, पर यहाँ पर जितना भी होगा जैसे भी होगा आप लोगों को कल के व्लॉग में आप लोगों को दिखाने को मिलेगा। एंड आई एम रियली हैप्पी कि भाई जितना दिन से सोच के रखा था कल पूरा होने वाला है। एंड अभी हम लोग कुछ ऐसे जगह में आ चुके हैं, यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रीन पार्क की तरफ में। ग्रीन पार्क ही जा रहे हैं भैया, ग्रीन पार्क जाएंगे। एंड लेट्स सी कि आज का हमारा ये प्यारा सा व्लॉग में क्या क्या आपको दिखा सकते हैं। बट वेदर चेकआउट करो भाई, काफी सुहाना मौसम है बट देखने के लिए अच्छा है ना भैया, बाहर निकलने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है तो चलो आपको हमारे व्लॉग में आज पूरा दिन का एक्टिविटीज वगैरह दिखाते रहेंगे। और एक चीज बता दूं, अभी मेरे साथ जो भैया है वो थोड़ा सा कैमरा साई है। एंड मोस्टली मैंने ऐसे देखा है ना भैया, जो नागा पीपल से वो कैमरा साई बहुत होते हैं ना, बट यार फ्रेंडली बहुत ज्यादा है तो अच्छा लग रहा है यार, ऐसे जब लोग मिलते हैं अच्छा लगता है। डिमापुर का एयरपोर्ट एकदम सामने है, जहाँ पे स्टे कर रहा था ना वहां से मैं एवरी डे देखता था प्लेन को टेक ऑफ करते हुए, लैंडिंग करते हुए एकदम सामने से देखता था भाई, क्या मस्त लगता था। क्योंकि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है हमारा रूम जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था, तो जब लैंडिंग करता था ऑब्वियसली सामने ही एयरपोर्ट है तो उसको तो नीचे आना ही पड़ेगा, तो देखने को मिलता था भाई कितना अच्छा लगता था। एरिया कौन सा है भैया, एयरपोर्ट कौन सा एरिया में पड़ता है? आरामाइल। ओके, आरामाइल में डिमापुर का एयरपोर्ट है और ये ज्यादा दूर नहीं है आपका रेलवे स्टेशन से भी, आई थिंक मोस्टली 8 किलोमीटर, 8 to 10 किलोमीटर का डिस्टेंस में ही है। ये देखो भाई पोस्टर, कल जो प्रोग्राम होने वाला है ना उसका पोस्टर एकदम लगा हुआ है भाई, प्रोग्राम बड़ा होने वाला है, स्टोन स्कल्पचर गार्डन ना। ओह कोई है तो भाई आ जाओ, कल मिलेंगे हम। चले भैया, ये जो है हाँ, वो मेरा मामी है। मामी है? हाँ, मेरा माँ है। वो जो है अंकल है। अयो तब तो आंटी का साथ खूब जमेगा कल को कल को तो भाई मजा आएगा, अगर कोई है भाई तो आ जाओ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वो लोकेशन पे जहां पर कल ये प्रोग्राम होने वाला है, तो सोचा कि चलो भाई देख ले सबसे पहले आज का माहौल कैसा है और कल का कैसा होगा। एंड ये है स्टोन पार्क, ये देखो भाई काफी खूबसूरत है, शांत है पूरा, और यहीं पर कल प्रोग्राम वगैरह होगा आई थिंक, उसके लिए पूरा प्रिपरेशन वगैरह भी करके रखा है। उधर में देखो अच्छा है भैया, यहीं पर होगा ना भैया प्रोग्राम कल? वाह, ये सब बना के रखा हुआ है, सब क्या चीज का भैया? अच्छा मेघालय, ये सब लिख के रखा हुआ है कुछ कुछ यार। ये देखो भाई स्टोन से बना के रखा हुआ है, क्या क्या यूनिक चीज है, ये सब का भी मीनिंग होगा। इधर में एक लेडी है जो कि फार्मिंग कर रहा है आई थिंक, उसका लेकर यहाँ पर बनाया हुआ कुछ कलर मेघालय का पूरा स्टोन से बना के रखा है। और इधर में कुछ यूनिक सा दिख रहा है यार, ये देखो ये क्या चीज है, वाह यहाँ पर काऊ का बनाया हुआ है, वहां पर स्रोड बोलते हैं क्या जो तरवाल वाला, उसका सिंबल बना के रखा हुआ है, देखो क्या मस्त है यार। ये सब के लेकर ही आई थिंक इस पार्क का नाम रखा गया है स्टोन पार्क, तो कल यहीं पर होने वाला है प्रोग्राम भाई, कल काफी ज्यादा मजा आएगा, क्या मस्त है, बैठने के लिए भी है, इधर प्रोग्राम वगैरह होगा तो आराम से देखेंगे भाई, और पार्टिसिपेट भी करेंगे मौका मिलेगा तो भाई, एंजॉय करना चाहिए ना, ये सब मौका मिलता है तो भाई खुल के जियो। और उधर में किड्स जोन वगैरह भी है, देखो भाई अच्छा यार लोकेशन काफी अच्छा है, और कल का माहौल कैसा होगा कल देखेंगे हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा समय हम एक्सप्लोर करते हैं, और ये देखो भाई
ये जो चीज देख रहे हो ये मैंने हॉर्नबिल फेस्टिवल में ऐसा वाला सब देखा था, गारो नोकमा रेस्ट हाउस, तो ऐसे वाले सब बना के रखे हैं। पिलर्स वगैरह भी देखो भाई, पूरा स्टोन के बना हुआ है, अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं एरिया, देखने के लिए भी पूरा एकदम लाइक अच्छा चीज है। और ये हिरन का हेड, इसको भी हाथ से बना कर रखा हुआ है। अंदर में भी ये देखो, आई थिंक ये मिथुन का हेड होगा। यहाँ पर एक है, काफी पुराना है दिख रहा है, और यहाँ पर भी एक देखो। वाओ वाओ, ये है असली चीज भाई, ये सभी तो देखना था। ये देखो स्टेप बनाया हुआ है पूरा कुंडे का, आराम से इस पे आप जाओ, टूटेगा नहीं ना, इस पर जाओ। और ये देखो अंदर में पूरा बेम्बू से बना कर रखा हुआ है, इनफेक्ट वॉल वगैरह भी सब बेम्बू है, नीचे भी बेम्बू है, ये बैठने के लिए भी बेम्बू है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है यार, एकदम हार्ड वाला फील आ रहा है, हार्ड वाला बैठने के लिए, हार्ड वाला। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा गार्डन है देखो, गार्डन एरिया। ये पार्क में इतना मस्त हवा चल रही है, उतना मस्त सुकून मिल रहा है यार, लग भी नहीं रहा कि सरकारी पार्क है। मैंने मोस्टली ऐसे देखे हैं सरकारी पार्क में इतना ज़्यादा केयरिंग नहीं होता है, बट इसको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये इतना मतलब ये सरकारी पार्क है, इतना ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी देखने को मिलेगा, इनफैक्ट यहाँ पर आपको चारों तरफ देखोगे तो आपको फ्लावर्स वगैरह देखने को मिलेगा। और एक ये खूबसूरत सा हाउस बोलेंगे, घर बोलेंगे या क्या बोलेंगे, आप लोग बताना आप लोगों का यहाँ का लैंग्वेज में क्या बोलता है। एंड इसके ऊपर में कुछ इन लोगों का ट्रेडिशनल स्टाइल का डिज़ाइन बना कर रखा हो गया है भाई, इसको थोड़ा सामने से जाके देखेंगे। बट उससे पहले आपको यहाँ पर और एक चीज़ दिखाते हैं, ये दूर से ऐसे देखने से लाइक लगा था मुझे एक हार्ट का सेप है, दिल का सेप, बट ये एक्चुअली में क्या है नहीं बता पाएंगे यार। और इनफैक्ट यहाँ पर ये देखो अंदर से निकला हुआ ये एक फ्लावर का टाइप में है, जैसे कि उसका अलग से एक फ्लावर निकल रहा है। अब लाइक ऐसा फूल होता है ना, ये अलग से निकल रहा है ना उसका ब्रांचेस से, सेम वैसा ही कुछ काइंड ऑफ ये दिख रहा है। तो भाई थोड़ा सा यूनिक है ये वाला, दूर से देखने से ऐसे लगता है जैसे दिल का शेप बना हुआ, हार्ट शेप, अच्छा यार। और इस तरफ देखो खूबसूरती यार, क्या मस्त लग रहा है। एक छोटा सा पार्क है, बट ये छोटा सा पार्क भी ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, चारों तरफ आपको फ्लावर्स वगैरह देखने को मिलेगा, यूनिक यूनिक पत्थर से बने हुए चीज़ देखने को मिलेंगे। और ये देखो एक पत्थर से स्टेप बनाया हुआ है, और मैं इसका बात कर रहा था, यहाँ पर कुछ इनका ट्रेडिशनल स्टाइल से ये गेट बना कर रखा हुआ, गेट बोलेंगे क्या बोलेंगे पता नहीं इनका, मैंने मोस्टली देखा सब जगह ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलता है। और ये बैठने के लिए पूरा लकड़ियों का बनाया हुआ ये, और इसमें ये हम लोग तो खेर कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो ये बताना, खेर का इस्तेमाल करके छत किया गया है, जहाँ पर देखो बम्बू भी कुछ कुछ इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ से बैठ के आराम से आप प्रोग्राम देख सकते हो इधर का, आई थिंक प्रोग्राम यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, वो तो कल देखेंगे, बट अभी जितना हो सके आप लोगों को ये दिखा दिया। एंड अगर यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह भी नहीं भी होता है तब भी ये जगह में आओ भाई, घूमने के लिए काफ़ी मस्त है। इनफैक्ट मैंने देखा यहाँ पर कुछ कुछ घर भी है इधर से जाने वाले रास्ते में। तो ये एरिया में कल होने वाला है संगम फेस्टिवल, एंड आई एम सो एक्साइटेड देखने के लिए। सुंदर है, क्या चोरों से नींद लग रही थी यार, तो दो घंटे जैसे सो लिया, एंड अभी शाम हो चुकी है, तो सोचा चलो भाई आपको थोड़ा सा हम जहाँ स्टे कर रहे हैं उसके आसपास के एरिया दिखा देते हैं। एंड बाय द वे अभी इस वक्त मैं हूँ फोर्थ फ्लोर में, एंड फोर्थ फ्लोर से यहाँ का व्यू जस्ट चेकआउट करो भाई, मस्त दिख रहा है। अभी मैं जाने का सोच रहा हूँ इस तरफ में, यहाँ पर एक मेडिकल टाइप में है, तो उधर थोड़ा एरिया रख के दिखूँगा। और यहाँ से देखो
ये एरिया जो देख रहे हो, इस तरफ जाएंगे तो न्यूलैंड भी पड़ जाएगा और इस तरफ जाएंगे तो आप लोग को पड़ेगा चिमुक दुमा पड़ेगा, थोड़ा सा दूरी पड़ता है। और मैं सोच रहा अभी इस तरफ जाऊंगा क्योंकि इधर में आपका हॉस्पिटल भी है, साथ ही साथ उधर नदी भी है, तो वो दोनों चीज़ देख के आएंगे। लेट्स गो, अब चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है यार, आहा एकदम मस्त वाली हवा भी चल रही है इसके ऊपर में, तो मज़ा आ रहा है यार। मन कर रहा है नहीं एक यहाँ से जाने के लिए, बट फिर भी जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे की ओर, एंड लेट्स गो चलते हैं। अभी मैं स्टे कर रहा हूँ इधर कहीं पर, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता अभी कौन सा जगह से निकला हूँ। एंड आप जैसे उधर से बाहर निकलोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिलेगा। और इधर में इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है, मैं आगे तक देख कर आया हूँ, सब तरफ में ऐसे छोटे छोटे दुकान वगैरह देखने को मिलेगा और एक जगह में आपको सब्जी वगैरह बेचने को मिलता है और बाकी दो तीन जगह में आपको चिकन वगैरह मिलेगा। और इधर से स्ट्रेट जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे रिसर्च सेंटर में। यह आ चुका हूँ हॉस्पिटल कंपाउंड के अंदर में और अभी काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा ऐसा लगता है मुझे। इस तरह में एक फुटबॉल ग्राउंड भी है, बट मुझे एक्चुअली में नदी देखना था, मैं सोच रहा हूँ इधर ज़्यादा दूर जाऊँगा तो लाइक मुझे नहीं देखने को मिलेगा, हॉस्पिटल में क्या ही देखेंगे यार। इसके सामने एक आपको नर्सरी देखने को मिलेगा, अंदर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा गीला हो चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ रूम के साइड में। हाँ तो जस्ट अभी मैं निकला हूँ रिसर्च एंड साइंस एंड रिसर्च सेंटर से और अंदर गया, काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा बहुत समझ नहीं रहा था तब तक बारिश आई और उसके बाद पूरा बर्बाद कर दिया। और कितना भी कोशिश किया कि बारिश में ना भीगो बट स्टिल भीग गया। कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वॉकिंग करने के लिए बेस्ट है। और हॉस्पिटल वगैरह जो सेंटर है उसको थोड़ा सा देखना समझना मुश्किल लग रहा था क्योंकि पेड़ वगैरह था ना, पेड़ की वजह से पूरा पता भी नहीं चल रहा था। जहाँ पर अभी स्टे कर रहे हैं ये जगह काफ़ी छोटा है और मैं अचानक से बाहर निकल के देखा तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो चुका था और ऑलमोस्ट 6 ही बज रहे हैं, फिर भी मुझे डर लग गया भाई कहीं खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं अभी सारे 6:20 हो रहा है और आ चुका अभी खाने के लिए। भूख तो लगा वैसे अभी नहीं है, मैं सोचा कि आराम से खाएंगे, बट जो सिचुएशन देख रहा हूँ, जो जगह देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ अभी खा लूँ तो ठीक है, खाना वगैरह खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं रूम पे। और आसपास तो वैसा कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए, नदी जाऊँगा सोचा था बट अभी इतना ज़्यादा बारिश हुआ ना, ओ खाना आ गया भाई अपना। और ये रहा अपना आज का डिनर, पूरा सिंपल स्टाइल में है तो अच्छा है भाई, ऐसे वाले खाने बेस्ट होता है, तो जल्दी से खा लेते हैं और उसके बाद बाकी की बात रूम पर जाके करेंगे। आज मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ वो ये वाले बिल्डिंग है, इसमें मैं 3rd फ्लोर में स्टे कर रहा हूँ, तो अभी चलते हैं रूम आपको दिखाते हैं कैसा है मेरा रूम। काफ़ी दूर चल के गया था भाई और अभी फाइनली आ चुका हूँ अपने रूम पर, और मेरा थोड़ा सा गंदा है पर इसको इग्नोर कर रहा है, कौन सा मिरर देखते हैं, चलो आपको रूम दिखाते हैं। तो ये है मेरा एक सिंगल बेड वाला रूम, यहाँ से आपको एक मस्त वाला व्यू देखने को मिलता है यहाँ से सुबह के समय में, रात को आपको नहीं दिखेगा, रात को बाहर वाले लोग हमें देखते हैं। तो यहाँ पर अपना बैग वगैरह रखा हूँ, यहाँ पर अपना चार्जिंग वगैरह का भी ऑप्शन पूरा तैयार करके रखा हूँ। और लेट्स वाशरूम दिखाते हैं, और ये है वाशरूम, अंग्रेजी टॉयलेट है भाई, मुझे अंग्रेजी टॉयलेट इतना पसंद नहीं है, बट अब ऑप्शन भी नहीं है, जब लगेगा तो इसमें तो भाग के जाना ही पड़ेगा। हाँ रूम काफ़ी सस्ता है, इतना महंगा भी नहीं है, तो एक दिन के लिए तो कुछ भी नहीं है भाई, एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर टीवी है पर टीवी कैसे चलेगा कोई आइडिया नहीं है, बस ऑफ के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्पिटिंग, थूकना सख्त मना है, थूकना सख्त मना है, समझ गए ना दोस्तों, बट आपको दिखाते हैं इधर देखो, और कहाँ देखिए वहाँ पर देखो, मतलब लिख के और लोगों को जागरूक कर दिया भाई, अब लिखा है तुमने मेरे ईगो को हट किया तो लो भाई मैं थूकूंगा, बाथरूम में भी पूरा वैसे ही है बेसिन वगैरह में, बट कोई नहीं यार एक दिन रहना है कौन सा यहाँ पर घर बसाना है। तो यही है अपना होटल मतलब अपना रूम आज के लिए, और कल हम जाएंगे यहाँ से एक तो मस्त प्रोग्राम में
और देखते हैं कि कल का हमारा प्रोग्राम कैसा होता है। आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। पता नहीं आज का ये ब्लॉग कैसा हुआ होगा, क्योंकि मैं जो सोच के आया था उसका पूरा अपोजिट ही हो रहा है, तो इसीलिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। बस आई थिंक कल वाला ब्लॉग अच्छा होगा, कल के बाद और बाकी जो भी दिन है वो भी सब अच्छा होगा, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ सेफ नगर के घर पर, तो उसके वहाँ पर स्टे करूँगा कुछ दिन, उसके बाद वहाँ से फिर जाऊँगा रॉबिन नगर के घर पर। और रॉबिन नगर का भाई ब्लॉग्स वगैरह तो देखा है मैंने, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है, लाइक उस पूरा एडवेंचर फिशिंग हंटिंग वगैरह होता है ना, नाइट कैंपिंग होता है, तो वो वाला एक्सपीरियंस लेने जा रहा हूँ भाई। तो उसने भी उससे भी मैंने कांटेक्ट कर लिया, वो भी बोला है वेलकम बोल के, तो जल्द हम जाएंगे उन लोगों के पास में और आप लोगों को दिखाएंगे उन लोगों का लाइफ स्टाइल, जो शायद वो नहीं दिखाता वो हम दिखाएंगे आप लोगों को, वहाँ का कल्चर दिखाएंगे, जो भी मिलेगा भाई अब जाके ना मज़ा आने वाला है कुछ दिन बाद। तो लेट्स सी कैसा होता है, बस एक दो दिन यहाँ पे बीच है एंड उसके बाद निकलेंगे कोहिमा के लिए, कोहिमा से उनका वहाँ पर थोड़ा पास पड़ता है। तो मिलते हैं जल्द नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।